falls and races at most heavily stressed point of contact equal to 0.001 of ball diameter. ठीक है ना, डेफिनेशन हो सकता है आपको भी समझना है, इसको भी देखते हैं कैसे. देखिए होता क्या है कि जब आप इस बेयरिंग पे लोड लगेगा, बेयरिंग पे लोड लगेगा तो ये जो लोड बियर करने का काम कौन करता है, ये बॉल्स करती है, बॉल्स करती है. ठीक है, तो बॉल्स जो है इनर रेस और आउटर रेस के कॉन्टैक्ट में, इनर रेस और आउटर रेस के कॉन्टैक्ट में, तो जहां जहां कॉन्टैक्ट आएगा वहां वहां क्या डेवलप होगा, स्ट्रेसेस. क्या डेवलप होंगे, स्ट्रेसेस. ठीक है, ये बॉल पे स्ट्रेस दिख रहा है, इसी तरीके से जो आपका इनर रेस है, इनर रेस है उस पे भी ये बॉल्स स्ट्रेस लगाएंगी. ठीक है, इस पे भी ये बॉल्स, ये जो ये अगर आप देखें तो ये जो है आपका, ठीक है, इस पे भी आपका कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा. ठीक है ना, ये सॉरी, ठीक, बॉल्स इस पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा रही होंगी. ठीक है, सो बॉल्स में भी स्ट्रेस लगेगा कॉन्टैक्ट की जगह पे, और इनर रेस और आउटर रेस में भी स्ट्रेस लगेगा. जब स्ट्रेस लगेगा, जब स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा भाई, जब स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा. क्या होगा, डिफॉर्मेशन. ठीक है, जब स्ट्रेस लगेगा तो डिफॉर्मेशन होगा. ठीक है, ठीक, और तो हर जगह जहां जहां स्ट्रेस लग रहा है वहां वहां डिफॉर्मेशन होना चाहिए. तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां होगा भाई, सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन कहां होगा, कहां होगा, वो आपका जो डिफॉर्मेशन होगा मोस्ट हैवीली लोडेड पॉइंट पे. ठीक है ना, सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन कहां होगा, जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, और तो वहां पर सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा. और अगर आपका लोड, ठीक है, अगर आपका लोड लेट से सी नॉट है, तो ये सी नॉट इतना ज्यादा हो कि आपका डिफॉर्मेशन जो है, सबसे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना हो जाए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन लेट से डेल्टा डी है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 0.0001 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ द बॉल. ठीक है, ये स्मॉल डी क्या है, डायमीटर. ठीक है, ये डेल्टा डी क्या है, डिफॉर्मेशन एट द मोस्ट हैवीली लोडेड पॉइंट. ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा वहां का डिफॉर्मेशन ये है डेल्टा डी. एंड दिस इफ कोई लोड इतना ज्यादा स्टैटिक लोड, ऐसा स्टैटिक लोड जो कि ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना प्रोड्यूस कर दे, इतने के बराबर, इतने के बराबर, एंड दिस इज नोन एज क्या, आपका स्टैटिक स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है ना, स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, एंड द मोस्ट हैवीली लोडेड पॉइंट इज दिस वन. ठीक है, ये आपका मोस्ट हैवीली लोडेड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट. ठीक है, दिस इज योर मोस्ट हैवीली लोडेड पॉइंट. ठीक, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी. इट इज सी नॉट, इट इज द मैक्सिमम लोड, इट इज द लोड, स्टैटिक लोड दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द बेयरिंग एट द मोस्ट हैवीली लोडेड और स्ट्रेस्ड, मोस्ट हैवीली स्ट्रेस्ड पॉइंट टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन. कितना भाई डिफॉर्मेशन, इतना डिफॉर्मेशन होना चाहिए, वो हमारी स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू, ये तो हमने थ्योरेटिकली बाय डेफिनेशन पढ़ लिया, ये तो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ लिया कि भाई ये होती है हमारी स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, अब स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी लोगों ने निकाली भी, ठीक है, लोगों ने निकाली भी. वो स्टैटिक एक जनाब है स्ट्राइबैक, इन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया कि स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉल बेयरिंग कितनी होती है, बॉल बेयरिंग कितनी होती है. ठीक है, सो उन्होंने सबसे पहले तो कुछ एजम्पशंस लिए. ठीक है, स्ट्राइबैक ने स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या किया, कुछ एजम्पशंस लिए. ठीक, तो उनके एजम्पशंस क्या क्या थे भाई, द रेसेस, पहला एजम्पशन था द रेसेस आर रिजिड. ठीक है, कि मतलब कि रेसेस में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, ठीक,
रेसेस जो हैं वो उनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, जो कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है वो सब का सब डिफॉर्मेशन बॉल्स में हो रहा है। किसमें हो रहा है? बॉल्स में हो रहा है। ठीक है, तो बात सही भी है भाई। रेसिस में अगर डिफॉर्मेशन, मतलब हमेशा हम क्या कोशिश करेंगे कि रेसिस को मजबूत बनाएं, क्योंकि ये बड़ा कंपोनेंट है भाई, बड़ा कंपोनेंट है। ठीक है, तो बॉल्स को रिप्लेस करना आसान है, रेसिस को रिप्लेस करना मुश्किल है। ठीक है ना, तो हमेशा डिजाइन में आप हमेशा ये याद रखिएगा, जो बड़े कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, अगर दो कंपोनेंट हैं तो किसको आप मजबूत, ज्यादा मजबूत बनाएंगे? बड़े कंपोनेंट को। ठीक है, क्योंकि बड़े कंपोनेंट, अगर बड़ा कंपोनेंट फेल कर गया तो उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी है कि रेसिस आर रिजिड एंड रिटेन देयर सर्कुलर शेप। ठीक है, ये अजम्पशन था कि रेसिस में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरा डिफॉर्मेशन क्या है, दूसरा अजम्पशन क्या है भाई, बॉल्स आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, सारी की सारी बॉल्स जो हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड। ठीक ठीक है, एंड द बॉल इन द अपर हाफ डू नॉट सपोर्ट एनी लोड। द बॉल्स इन द अपर हाफ डू नॉट सपोर्ट एनी लोड। ठीक है, जितना लोड है सारा का सारा लोड कौन सी बॉल्स बियर कर रही हैं? ये जो नीचे वाली बॉल्स, ये वाली जो ऊपर है अदर हाफ में, अपर हाफ में, वो उस पर कोई लोड नहीं आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये अजम्पशन है, इन रियलिटी देर विल बी सम लोड। ठीक है, तो हम यहां पर यही मान के चल रहे हैं कि अपर हाफ में कोई लोड नहीं लग रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू, अब डिराइव करने की कोशिश करते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, द डायग्राम यू आर लुकिंग एट इज शोइंग, ये आपका जो है इनर रेस है, इनर रेस है, इनर, सॉरी, इनर रेस, एंड दीज आर दी बॉल्स, दीज आर दी बॉल्स एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड, दे आर इक्वली स्पेस्ड। यू कैन सी इक्वली स्पेस्ड होने की वजह से जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, दो बॉल्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा, हमने मान लिया कि बीटा एंगल बन रहा है, तो सब में सेम रहेगा, ये एंगल भी बीटा है और ये एंगल भी बीटा है, इसी तरीके से ये एंगल भी बीटा होगा, ये एंगल भी बीटा होगा। ठीक है, ये एंगल भी बीटा होगा। ठीक है, सो दे आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक, अच्छा, अब ये जो नीचे वाली बॉल्स जो हैं, ये ही जो है हमारी सारी की सारी, सारा का सारा लोड यही लगा ले रही है, बट वी नो कि हर बॉल जो है वो सेम लोड नहीं ले रही, हर बॉल जो है सेम लोड नहीं ले रही। हमने मान लिया कि ये P1 लोड ये ले रहा है, P2 लोड ये ले रहा है, एंड P3 लोड इधर उसके आगे, और उसके आगे P4, और जितने भी बॉल्स होंगी वो इस तरीके से लेंगी, लेकिन ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये भी P2 ले रहा है, ये भी P2, ये P3 ले रहा है, ये इधर P4 लेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक है, तो एक मिनट, ओके, सो कमिंग टू दिस, वी हैव, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इधर बीच वाली बॉल के अबाउट इसमें और इसमें सेम लोड लगेगा, इसमें और इसमें सेम फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेम फोर्स लग रहा है। सो अब देखते हैं कि कैसा, ये तो हमने देख लिया कि ये हमारा कुछ इनिशियली आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है,
लेकिन आफ्टर डिफॉर्मेशन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई इनर रेस और आउटर रेस में कोई डिफॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो जो बॉल्स में डिफॉर्मेशन होगा, बॉल्स हैं इनका थोड़ा सा साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब बॉल्स जो हैं इनका जो साइज चेंज होगा, तो ये जो शाफ्ट, ये जो आपको इनर रेस जो दिख रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए बॉल्स डिफॉर्म होकर के छोटी होंगी, ऑब्वियस बात है कंप्रेसिव लोड लग रहा था, छोटी होंगी, तो ये जो जो आपका इनर रेस है ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये यहाँ पे वही चीज दिखा रखी है कि ये जो इनर रेस पहले था, ये इनर रेस पहले था, अब आफ्टर डिफॉर्मेशन ये इनर रेस नीचे शिफ्ट हो गया, इनर रेस नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इनर रेस जो है वो नीचे जब शिफ्ट हुआ, तो इनर रेस नीचे शिफ्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसमें आया भाई, सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन किसमें है, इधर इधर जो मोस्ट हैवीली लोडेड बेयरिंग थी P1, ठीक है, जिसपे P1 लोड लग रहा है, ठीक है, वन लोड, सॉरी बेयरिंग कह रहा हूँ, बॉल, ठीक है। एंड यू कैन सी कि जो दूसरी बॉल थी उसमें भी कुछ डिफॉर्मेशन आया, लेट से दैट इज Del2। इसी तरीके से तीसरी बेयरिंग बॉल होगी उसमें आएगा कुछ डिफॉर्मेशन Del3, ठीक है। तो ये आपको अरेंजमेंट यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अरेंजमेंट समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक यस बताइए भाई, सर, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब वापस यहां पर आइए, वापस यहां पर आइए, तो अब देखिए कि ये जो लोड लग रहा है, स्टैटिक लोड ऊपर से लग रहा है इस बियरिंग पे, दैट इज C0, C0, ठीक है। अच्छा इस लोड के लगने की वजह से ये बियरिंग की जो बॉल्स हैं उनमें कुछ लोड लग रहा है, उनपे कुछ स्ट्रेस लोड रिएक्शन फोर्स डेवलप हुआ, P1 P2 P3 एंड P4 एंड P सॉरी P1 P2 P3 P2 P3, इस तरीके से आपके लोड्स लग रिएक्शन फोर्सेस लगना शुरू हुए इन बॉल्स पे। अच्छा तो ये तो है स्टैटिक कंडीशन में, ये तो है स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो, ठीक है। ठीक, तो दो डायरेक्शन में प्लेन की बात कर रहा हूं, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखिए P1 तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, सीधे सीधे वाई डायरेक्शन, उस वाई डायरेक्शन में अपवर्ड लग रहा है। इसी तरीके से P2 को देखें, P2 कहाँ लग रहा है भाई, P2 को देखिए ये क्या है भाई, इसको आप एंगल बनाइए, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बीटा, यहाँ इधर P2 लग रहा है तो ये हो गया बीटा, इधर देखें वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या हो गया, P2 cos बीटा, एंड ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, P2 sin बीटा, sin बीटा। इसी तरीके से इस पे भी, इधर इस वाले बॉल पे भी आप देखें, इस वाले बॉल पे भी आप देखें, ठीक है, इस वाले बॉल पे भी आप देखें, तो यू कैन सी क्या वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका ये हो गया P2, और इधर आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया P2 cos बीटा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया P2 sin बीटा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये वाला जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इस बॉल पे भी अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, इस बॉल पे भी अपवर्ड लग रहा है, और इस वाली बॉल पे, ये वाली जो बॉल है इस पे भी अपवर्ड लग रहा है, इस पे भी अपवर्ड लग रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो P2 साइन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो है वो P2 साइन बीटा, एंड दिस इज ऑल्सो P2 साइन बीटा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इन दोनों बॉल्स के लिए कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, ठीक है, वर्टिकल कॉम्पोनेंट एड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका इस बॉल पे भी देख सकते हैं, तो इस बॉल पे आपको क्या दिखेगा, ये अब एंगल कितना है 2 बीटा, 2 बीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया P3 cos 2 बीटा, ठीक है, और इधर क्या हो गया P3 cos 2 बीटा, ठीक है, और सेम चीज यहां पर भी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया P3 cos 2 बीटा,
एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट पी थ्री साइन टू बीटा, ठीक है। तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो ऐड हो जाएंगे एंड हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और सी नॉट जो है आपका वर्टिकल है, सी नॉट आपका वर्टिकल है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो मतलब क्या है, जितना भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट है इन बॉल्स पे, ठीक है, वही इसको बैलेंस कर रहा है, वही इसको बैलेंस कर रहा है। तो वही चीज हमने यहां पर लिखी है कि सी नॉट मस्ट बी इक्वल टू पी वन प्लस टू पी टू कॉस बीटा प्लस टू पी थ्री कॉस टू बीटा, इसी तरीके से प्लस टू पी फोर कॉस थ्री बीटा एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा जितने नंबर ऑफ बॉल्स हों, ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ बॉल्स हों, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आई नहीं समझ में, बताएं भाई, आमिर मोमिन, मोहम्मद अमीन, अब्दुल्ला मुगीस, बताएं भाई। सर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, इस यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? सर ये दूसरे वाला जो है अपना P3, तो P3 में cos 2 बीटा लिए, और पहले वाला जो P2 है उसमें cos बीटा है, तो इसमें 2 बीटा क्यों आ रहे? हाँ देखिए ना, ये सिंपल है, देखिए देखिए, अच्छा ये वर्टिकल एक्सिस से एंगल लेंगे, हाँ ये एंगल आपने बीटा बनाया ना, तो ये एंगल यहाँ पे बीटा हुआ, ठीक है। तो जब इसकी वर्टिकल एक्सिस लेंगे तो ये कितना एंगल बनाएगा भाई वर्टिकल से, टू बीटा, टू बीटा आएगा, है ना। और यहाँ पे जब बना रहे तो ये ऑब्वियस ही बात है बीटा बनेगा, ठीक है, ठीक। और ये एंगल आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे चल के और बढ़ता चला जाएगा ना एंगल, ठीक है, यस सर, ठीक, ओके। नाउ अब इतनी बात समझ में आएगी, ये बात तो समझ में आएगी कि C नॉट इज इक्वल टू पी वन प्लस टू पी टू कॉस बीटा प्लस टू पी थ्री कॉस टू बीटा एंड सो ऑन, ठीक है। बट वी डू नॉट नो एनीथिंग, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट P1, P2, P3, P4, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम ज्योमेट्री की मदद लेंगे और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हर्ट्ज इक्वेशन ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रेस थियरीज, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस थियरीज का जो हमारे पास है ये थोड़ा सा हम लोग मदद लेंगे। तो पहले हम ज्योमेट्रिकली देखें, ठीक है, ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि क्या मामला है यहाँ पर। देखिए पहली वाली बॉल में कितना डिफ्लेक्शन आया था, d1, तो ये जो d1 वाले पोर्शन में, सॉरी डेल वन, सॉरी माय अपोलॉजी, डेल वन, ठीक है। तो हमने माना कि इसमें डेल वन डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इसको देखिए आप, दूसरी वाली बॉल में कितना आया डिफ्लेक्शन, डेल टू, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ये वर्टिकली अगर आप देखें तो ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज डेल, ये वाली लेंथ जो है डेल है, डेल वन है, एंड दिस इज व्हाट, डेल टू है, एंड दिस एंगल इज
थोड़ा सा वेट करें, पावर का इश्यू है, मैं अभी बस रीजॉइन करता हूँ, रुक जाइए बस थोड़ा सा। सी तो हाँ, हम कहाँ थे, ये वाला जो पोर्शन हमने यहां पर ड्रॉ किया, डेल वन डिफ्लेक्शन था हमारा बियरिंग वन का, सॉरी बॉल वन का, एंड डेल टू इज डिफ्लेक्शन ऑफ बॉल टू, बॉल टू। तो इसके बीच में अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज डेल टू इज इक्वल टू डेल वन कॉस बीटा, कॉस बीटा, ठीक है। एंड सिमिलरली यू कैन राइट व्हाट, यही चीज हमने यहां पे लिखी है, डेल टू इज इक्वल टू डेल वन कॉस बीटा, और डेल टू अपॉन डेल वन इज इक्वल टू कॉस बीटा, डेल वन अपॉन डेल टू इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है। ठीक, ये तो हमारा जो किस्सा है भाई, ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से आया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से आया। मे भी हो सकता है अभी एरर, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है, मोबाइल नेट यूज कर रहा हूँ, सो माइट नॉट बी विजिबल। अभी विजिबिलिटी है आप लोगों को, ये सही से विजिबल हो रहा है? हाँ यस सर, विजिबल है अभी। यस सर, ठीक है, ठीक, तब ठीक है, ओके। तो अच्छा, तो ये जो चीज आ रही है हमारे पास, ये किससे आ रही है भाई, हमारे पास किससे आ रही है? हाँ, ये हमारा ज्योमेट्री से आ रही है, ठीक है ना, इससे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, डेल थ्री इज इक्वल टू डेल वन कॉस टू बीटा, कॉस टू बीटा, ठीक है, कॉस टू बीटा, ठीक। तो आप अब आप क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है, ये यहां से ये एंड दिस होल, ठीक है, ठीक है। तो ये जब आप इसको पूरे को लेंगे तो आप क्या ऐसा ही एक ट्राइंगल बनाएंगे, एंड जिसमें आपका, सॉरी, दिस विल बी डेल थ्री एंड दिस इज डेल वन एंड दिस विल बी टू बीटा, ठीक है। तो यू कैन राइट डेल थ्री इज इक्वल टू डेल वन टाइम्स कॉस टू बीटा। इसी तरीके से आप हर एंगल के लिए आप लिख सकते हैं, हर एंगल के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव दिस फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम दी हर्ट्ज इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम दी हर्ट्ज इक्वेशन हमने उसमें भी पढ़ा था, क्या नाम है, कॉस
कॉन्टैक्ट स्ट्रेस थ्योरी के रिलेशन से, ठीक है। तो कुछ और रिलेशंस भी हैं जो कि जिसमें से एक रिलेशन है डिफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, डिफॉर्मेशन से रिलेटेड, एंड दिस इज रिटन एज डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट लोड या रिएक्शन फोर्स की पावर 2/3, और यू कैन राइट इट एज डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू C1, सम कॉन्स्टेंट इंटू P की पावर 2/3। तो डिफ्लेक्शन del 1 इज इक्वल टू C1 P1 टू द पावर 2/3। इसी तरीके से del 2 इज इक्वल टू C1 P2 की पावर 2/3, ठीक है। तो यू कैन राइट ये सब चीजें हमारी थियरी से आ रही है, हर्ट्ज थ्योरी से, ठीक है। सो यू कैन राइट del 2 upon del 1 इज इक्वल टू P2 upon P1 टू द पावर 2/3, ठीक है। अच्छा, del 2 upon del 1 आपने कितना निकाला था? del 2 upon del 1 वॉज cos beta, ठीक है, cos बीटा। ओके, इंटरनेट इज वेरी स्लो एंड इट इज वेरी ब्लरी। ओके, सो इट इज रिटन एज लाइक दिस। नाउ यू कैन राइट P2 upon P1 इज इक्वल टू cos P2 upon P1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू cos बीटा एज इट इज रिटन हियर एंड P2 यू कैन सिंपली राइट एज P2 इज इक्वल टू P1 की पावर cos बीटा की पावर 3/2, ठीक है। ये तो आपने P2 और P1 के बीच में रिलेशन निकाल लिया। इसी तरीके से क्या P3 upon P1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू cos 2 बीटा। सो यू कैन राइट P3 इज इक्वल टू क्या P1 times cos 2 beta की पावर 3/2, ठीक है। एंड सिमिलरली यू कैन राइट P4 इज इक्वल टू व्हाट P1 times cos 3 beta की पावर 3/2। इस तरीके से P5 P6 जितनी भी बॉल्स होंगे उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें P1 P3 P4 इस तरीके की चीजें P2 P3 P4 किसके टर्म्स में मिल गया? P1 के टर्म्स में। सो नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P2 P3 P4 इन द फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी पहली इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, P1 cos beta की पावर 3 cos beta, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू cos beta की पावर 5/2, एंड सिमिलरली यू हैव 2 P1 cos 2 beta की पावर 3/2 इंटू cos 2 beta, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट cos 2 beta की पावर 5/2, ठीक है। इसी तरीके से आपको मिलेगा cos 3 beta की पावर 5/2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू कैन राइट एंड रीअरेंज इट एज लाइक दिस। C naught is equal to P1 into 1 plus 2 cos beta ki power 5/2 plus 2 times cos 2 beta ki power 5/2 plus 2 times cos 3 beta ki power 5/2 and plus cos 4 beta ki power 5/2 and so on, ठीक है। इस तरीके से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी, इसको आप पूरे को आप एक नया टर्म
का नाम दे दीजिए, जिसे कह लीजिए आप एम, एम एम पे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एम हमने कह दिया कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, एक एम टर्म है एम, ठीक है। तो हम सी नॉट स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी को लिख सकते हैं पी वन टाइम्स एम, पी वन टाइम्स एम, ठीक है, पी वन टाइम्स एम। अच्छा जी, और ये हमारा एम इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो एंगल है, एंगल है वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ये सारे के सारे एंगल, जितनी बॉल्स होंगी वो उसके हिसाब से तो एंगल बनेगा, ये बीटा है दो, उसके बीच में एंगल बना रहा, तो यू कैन राइट 360 एंगल बीटा, बीटा कैन बी रिटन एज 360 अपॉन जेड, एंड जेड इज द नंबर ऑफ बॉल्स, जेड इज द नंबर ऑफ बॉल्स, तो यू कैन राइट बीटा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉल्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉल्स एंड नंबर ऑफ बॉल्स, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा इन दिस इक्वेशन, क्योंकि ये तो सब अब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर बचा ना, बीटा जो है वो सीधे सीधे बेयरिंग की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली आप जब आप बीटा की वैल्यू रखेंगे यू कैन इजिली फाइंड एम, वैल्यू ऑफ एम। अच्छा, ये जो चीज है वैल्यू ऑफ एम जो है हमने प्लॉट की, मतलब टेबुलेट की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बॉल्स, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बॉल्स। तो हमने देखा क्या कि z फॉर 8 नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 8, वी हैव m की वैल्यू कितनी आई 1.84। इसी तरीके से 10 के लिए 2.28, 12 नंबर ऑफ बॉल्स के लिए 2.75 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब हमने z बाय m का रेशियो लिया, z बाय m का जब रेशियो लिया तो दिस रेशियो वॉज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। तो हमें ये समझ में आया कि वी कैन राइट z बाय m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड फॉर प्रैक्टिस वी आर टेकिंग दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5, z बाय m इज इक्वल टू 5, z बाय m इज इक्वल टू 5, सो वी कैन राइट m इज इक्वल टू व्हाट, z बाय 5, z बाय 5, z बाय 5, ठीक है। सो हमने क्या किया भाई कि m को हमने क्या लिख सकते हैं, z बाय 5, z बाय 5। तो हमारी ये जो इक्वेशन थी C naught is equal to P1 times M, इसको हम लिख सकते हैं C naught is equal to Z by 5 P1, Z by 5 P1, ठीक है, Z by 5 P1, ठीक। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस सर, 5 क्यों ले रहे हैं, 5 क्यों ले रहे हैं, यस ओके ठीक है, हाँ 5 क्यों ले रहे हैं, देखिए हम जो है ना थोड़ा सा हायर साइड पे रहना चाह रहे, ठीक है। आप वैसे सही तरीका तो यही था कि क्योंकि देखिए 4.35 है, 4.38 है, 4.36 है, सो वी वांट टू बी ऑन सेफर साइड, वी वांट टू सी बी ऑन सेफर साइड, सो वी टुक 4 और 5 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है ना। तो एक आप इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू लेना चाहेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, तो आप हमेशा वो वैल्यू लेंगे जो हायर से, मतलब जो कम लोड बताए, ठीक है ना, मतलब ज्यादा ना आके, समझ रहे हैं कि, तो जब आप बड़ी वैल्यू लेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे तो इट इज फॉर सेफ्टी, यू कैन से कि हमने सेफ्टी के लिए हमने क्या किया, 5 लिया वैल्यू, ठीक है ना, वी कुड हैव टेकन इट 4.4, ठीक है। तो ये तो वही बात हो जाती कि मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आपने ले ली, एग्जैक्ट वैल्यू ले ली, बट फॉर To be on the safer side, we should take the value on the higher side. और higher side value जो है वो 5 है, ठीक है? And that's why we have taken 5, ठीक है? समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा आपका factor of safety बढ़ा देगा, ठीक है? अब्दुल्ला? Yes, sir. ठीक है? So to be on safer side, we have taken it equal to एक मिनट. Thank you.
ओके सॉरी एक्चुअल में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो दैट्स व्हाई आई एग्जिटेड. तो हम बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा कि जो जो मोस्ट हैवीली लोडेड या मोस्ट हैवीली लोडेड जो बॉल है इन द बेयरिंग, बॉल इन द बेयरिंग इज, इसमें जो लोड आ रहा है पी वन, इट इज गिवन बाय पी वन इज इक्वल टू के डी स्क्वायर एंड वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द बॉल. डी इज डायमीटर ऑफ द बॉल, ठीक है, डायमीटर ऑफ बॉल, ठीक है. एंड के इज अ कॉन्स्टेंट, के इज अ कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब ये जो k है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, k किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बॉल है आपकी, ठीक है. एक ये आपकी बॉल थी, ठीक है. अब ये डिफॉर्म होने के बाद, अब ये डिफॉर्म होने के बाद कुछ इसका जो रेडियस है, अभी तो ये d बाय टू है, ठीक है ना, ये जो है अभी d बाय टू है, ठीक है, d बाय टू है इसका रेडियस. लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद ये थोड़ा सा इसका कर्वेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये चेंज कर्वेचर की बात कर रहे हैं हम, इस चेंज कर्वेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो द फैक्टर के या कॉन्स्टेंट के इज डिपेंड्स ऑन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल. मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी और मटेरियल प्रॉपर्टी दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये के, ठीक. सो सब्स्टिट्यूटिंग इट बैक इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है, इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट करें वापस p1, वी कैन गेट c0 इज इक्वल टू k d स्क्वायर टाइम्स z अपॉन 5 k, ठीक है ना. एंड दिस इज नोन एज स्ट्राइबैक्स इक्वेशन. इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइबैक्स इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम स्ट्राइबैक्स इक्वेशन कहते हैं. एंड दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. जहां तक आप सबको बात समझ में आ रही है, यस और नो, टेल मी. अगर कहीं कोई दिक्कत आई हो, जो चीज समझ में ना आ रही हो, यू कैन आस्क, पूछिए भाई. हाँ, अमीन, अब्दुल्ला, मुगीज, यस और नो, आर यू पीपल देयर? यस सर. आप लोग हैं और समझ में आ रही है बात? कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रही, यू कैन आस्क, आप पूछें भाई. यहां तक सबको समझ में आ गया है कि स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? ओके, सॉरी, ये मटेरियल की इलास्टिसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? वो प्रॉपर्टी होती है कि एक कांस्टेंट है जो वो तो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ठीक है, कि एक बार उन्होंने क्या किया कि स्टील का मटेरियल रख के देखा, ठीक है, तो ये P1 की वैल्यू कुछ आई, ठीक है, मान लीजिए कि P1 की वैल्यू आई कुछ, लेट्स से 1 kN, ठीक है. फिर उन्होंने वहां पे क्या रखा, कॉपर की बॉल इस्तेमाल की, तो देखा कि भाई नहीं, यहाँ पर क्या आ रही है, 0.8 kN आई, ठीक है. इसी तरीके से देखा क्या कि टाइटेनियम रख के देखा, तो देखा कि भाई 2 kN आ रही है, ठीक है, ये आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है. तो देख, ये देखने का मतलब था कि देखा कि जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, उसकी इलास्टिस क्या नाम है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये P1 की वैल्यू उसके लिए ज्यादा आ रही है, ठीक है. तो ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया,
ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, समझ रहे हैं? ठीक है, ये जो के की जो वैल्यू डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। ठीक है, आ रही बात समझ में अब्दुल्ला? यस सर। ठीक, ओके। नाउ अगर आप लोगों को स्टैटिक इसमें कोई परेशानी नहीं है तो वी कैन मूव टू डायनेमिक, वैसे डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। हाँ, शैल वी प्रोसीड टू डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी? सर नेक्स्ट लेक्चर में करते, नेक्स्ट में फिर वो आधा हो पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसको आप ये जो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी एक बार आप इसको डिराइव खुद से करें, ठीक है ना, तो ज्यादा आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। और डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बियरिंग यू शुड, आप लोग इसको पढ़ें, इसको पढ़ें, ठीक है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बोथ बियरिंग्स भी, ठीक है ना, तो प्लीज डू स्टडी इट फ्रॉम द बुक प्रायर टू द लेक्चर। ठीक है, ठीक, ओके। If you do not have any inquiry, you can leave, I think. Okay. Thank you, everyone.